हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली जी जुड़ चुके हैं। नलिन जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। नलिन जी, खबर आ रही है कि कल गुजरात सेशंस कोर्ट में अपील करेंगे राहुल गांधी। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि कब अपील करेंगे, लेकिन एक वकील होते हुए मैं इसको बड़ा सरल रूप से देखता हूँ कि राहुल गांधी जी पे 2 साल की सजा सुनाई गई। अब उनके सामने 2 विकल्प हैं, सजा को स्वीकार के उस सजा को भुगते या उसकी अपील फाइल करें, और ये हर भारतीय नागरिक का अधिकार है। तो अपील के लिए वो अगले उससे ऊंचे कोर्ट में जाते हैं। अपील में स्वाभाविक है कि वो नीचे वाले जजमेंट पर प्रश्न उठाएंगे और शायद स्टे की एप्लीकेशन या याचिका भी डालेंगे, जो ऐसे केसेस में अक्सर मिल जाती है। वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसमें कन्विक्शन ऑलरेडी नीचे जो है उसमें सेंटेंस को तो खुद उस कोर्ट ने स्टे कर दिया था कि आपको कम से कम एक अपील फाइल करने का समय मिल जाएगा। तो अगला कदम तो यही है, लेकिन बड़ी बात ये है, इससे ज्यादा अपील होते रहेंगे। राहुल गांधी जी यदि ये टिप्पणी नहीं देते, मोदी समाज एक ओबीसी समाज पर इस प्रकार के शब्द नहीं कहते, तो शायद आज स्थिति में होते नहीं जहां पर एक सजा भी सुनाई जाती और उनको अपील भी करना पड़ता। जी, लेकिन आप इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? लगातार कांग्रेस की तरफ से तो यही कहा जा रहा है नलिन जी कि इस पूरे मामले के अंदर राजनीति हो रही है। मैक्सिमम सेंटेंस आप जो कोर्ट है उसने दिया है राहुल गांधी को, और इस मामले को सियासी तौर पर बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है लगातार। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, ये नैरेटिव कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है, ये दलील दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पहले तय कर ले कि उनको कोर्ट में विश्वास है या नहीं, क्योंकि आधे उनके नेता कहते हैं जी हमें कोर्ट में विश्वास है, और आधे उनके नेता जो है कोर्ट के प्रोसेस पे प्रश्न उठाते हैं। भाई राहुल गांधी जी के ऊपर कंप्लेंट हुआ, उन्होंने भी तो एक वकील को कोर्ट में भेजा, उस वकील ने भी तो बहस की, अपने कागज भरे होंगे, पूरी प्रोसेस के बाद ही तो सजा सुनाई गई। अब उसमें ये देखना भी राहुल गांधी जी का प्रश्न उठाना कि मुझे 2 साल 24 महीने की जगह 20 महीने क्यों नहीं दिए गए, या 18 महीने क्यों नहीं गए, या 22 महीने क्यों नहीं गए। तो राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी तो जज की कुर्सी पे बैठे नहीं है, ये अधिकार जज के पास होता है, और रोज लाखों केस होते हैं, क्योंकि हम तो कोर्ट में रोज ही रहते हैं, जहां पर उसमें किसी में जहां मैक्सिमम 7 साल है 7 साल सुनाई जाती है, नहीं 5 साल सुनाई जाती है, कहीं पर 6 साल सुनाई जाती है, अलग अलग होते हैं। अब राहुल गांधी जी एक नेता है, सार्वजनिक रूप से एक पूरे समाज को वो गलियाते हैं। इस बात को मत भूलिए कि ये 2019 का बयान है कर्नाटका चुनाव में, जहां तक मुझे याद है। उससे पहले 2018 में रफेल पे उन्होंने अनाप शनाप चीजें कही थी। और नलिन जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता जी, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, सुना आपने नलिन कोहली जी तो ये दलील दे रहे हैं कि पूरी तौर पर कानूनी मामला है, आप बेकार राजनीतिक मामला इसको बना रहे हैं, ये फैसला कोर्ट की तरफ से आया, आपके पास अधिकार है, आप कोर्ट में अपील करेंगे राहत मिल जाती है, तो ठीक है, क्या कहना है आपका? मुझे लगता है कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, अगर न्यायालय का फैसला आया है इससे हम अपनी असहमति व्यक्त करें और हायर कोर्ट में अपील करें, वो हम करें। जो न्यायिक रास्ता है वो आज होगा, कल होगा, मीडिया के माध्यम से जैसा खबरें आ रही हैं, मेरे पास पार्टी की तरफ से तो मैसेज नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वो रास्ता हम अख्तियार करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये, बीजेपी सबसे ज्यादा परेशान है कि माननीय राहुल गांधी जी कोर्ट में अपील में क्यों नहीं जा रहे। तीसरी चीज, नलिन मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ नलिन भाई, ये वही गुजरात है जिसमें हार्दिक पटेल के 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे खारिज कर दिए जाते हैं, जिसमें देशद्रोह भी होता है, और ये वही गुजरात है जिसमें संजीव भट्ट जो है वो बरसों बरस तक जेल में रहते हैं, ये वही गुजरात है जिसमें डिग्री नहीं दिखाने के मामले में 25,000 का जुर्माना तक लग जाता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से न्यायिक प्रक्रिया सूरत की जो लोअर कोर्ट की जेएम कोर्ट है उसमें त्वरित गति से अप्लाई की गई, और जिस तरह से हाई कोर्ट से स्टे हटाया गया, और जो पूरी क्रोनोलॉजी है कि अडानी के ऊपर भाषण होता है, जेपीसी की डिमांड होती है, और उसके बाद जिस तरह से जो घटनाक्रम है कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह पूरे प्रोसेस पर उठाए जा रहे हैं, और उसको हम अपील में हम पूरे वो प्रोसेस में जो प्रश्न चिन्ह है वो हम इंगित करेंगे। अब बात आती है न्यायिक व्यवस्था पर किसका अपना भरोसा है और किसका नहीं है। आपके कानून मंत्री हैं देश के, आपके जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एंटी इंडिया गैंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस चला रहे हैं, तो किसका भरोसा है और किसका नहीं, आप पहले घर में तय कर लो। नलिन जी, आलोक जी भी बड़े वरिष्ठ एक
प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की और जैसे उन्होंने सही फराया मेरे मित्र है। लेकिन जो डिबेट आपके सामने हो रही है इसको मैं अगर एक और पहलू से देखूं, आप याद करिए कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी पुरानी रणनीति रही है इंदिरा गांधी जी के समय से कि कुछ हो उसमें कॉन्स्पिरेसी एंगल देखना कि अरे इसको देखिए इसकी टाइमिंग कैसे थी, ये कैसे हो गया, इस पर प्रश्न उठना चाहिए। और हमेशा इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में, शायद राजीव गांधी जी के कार्यकाल में, विदेशी तत्वों पर ऐसे प्रश्न उठाए जाते थे, बाहर की कोई शक्ति ऐसे कर रही है। अब कांग्रेस की दुविधा यह है कि राहुल गांधी जी स्वयं विदेश गए और वहां विदेश में जाकर उन्होंने अलग अलग देशों से ये गुहार लगाई एक प्रकार से कि व्हाट इज अमेरिका एंड यूरोप डूइंग अबाउट इट, कि भारत में लोकतंत्र हिला हुआ है तो आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब हस्तक्षेप करिए। इससे पहले मनीष शंकर अय्यर जी पाकिस्तान में बोले थे कि भाई इनको हटाइए, इनको कौन हुए, मोदी जी और बीजेपी, और हमें लाइए। अब जब आपने विदेश की तरफ मित्रता या एक हाथ आगे बढ़ाया है तो आप विदेशी तत्वों पर कैसे कंस्पिरेसी एंगल करेंगे। फिलहाल समय इतना ही है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।